मॉडल फोर का थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे, वैगन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एंड बैक फ्रॉम सिटी बी टू सिटी ए वायर द सेम रूट एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द राउंड ट्रिप। तो वैभव है जिसने सिटी ए से सिटी बी तक ट्रेवल किया है और उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, और सेम रूट से वो वापस आया सिटी बी से सिटी ए को, तो उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है कि उसके एवरेज स्पीड क्या होगी ट्रिप की। तो अब हमें पता है कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस यहाँ पे टू पार्ट्स में है, सिटी ए टू सिटी बी और सिटी बी टू सिटी ए, यानी कि डी वन प्लस डी टू डिवाइड बाई टी वन प्लस टी टू। डिस्टेंस और टाइम हमारे पास टू पार्ट्स में दिया हुआ है, तो हमने डी वन प्लस डी टू डिवाइड बाई टी वन प्लस टी टू, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारे पास ना तो डिस्टेंस दिया हुआ है और ना ही टाइम दिया हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में स्पीड दी हुई है दोनों रूट्स की। तो अब हमारे पास दो सिटीज हैं, सिटी ए टू सिटी बी, सिटी ए से सिटी बी, ठीक है। अब जब वो ए से बी की तरफ जा रहा है तो उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, और जब वो बी से ए की तरफ जा रहा है तो उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो रूट सेम ही है उसका, ए से बी तक जाने का और बी से ए तक जाने का, यानी कि डी वन इक्वल है डी टू के, ठीक है। डी वन इक्वल है डी टू के, यानी कि ये है टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है डी और हमारे को टाइम पता है, हम टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टाइम हम फाइंड आउट करते हैं डी अपॉन एस, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम यहाँ से देखें कि डी वन भी डी है और डी टू भी डी है, तो डी प्लस डी डिवाइड बाई टी वन है यहाँ पे डी वन अपॉन एस वन, यानी कि डी वन है यहाँ पर डी अपॉन एस वन प्लस डी अपॉन एस टू, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई कर ये आएगा 2d डिवाइड बाय d कॉमन आएगा 1 डिवाइड बाय s1 प्लस 1 डिवाइड बाय s2, तो ये d से d कैंसिल, तो ये आया 2 अपॉन 1 अपॉन s1 प्लस 1 अपॉन s2। तो अगर हम इसको भी सिंप्लीफाई करें तो 2 डिवाइड बाय s1 और s2 आएगा एलसीएम, तो s2 प्लस S1, ठीक है। तो यहाँ से ये आया 2 इंटू एस वन इंटू एस टू डिवाइड बाई एस टू प्लस एस वन, ठीक है। अब हमारे पास S1 दिया हुआ है 70 किलोमीटर पर आर और S2 दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आर, तो अगर आप पुट ऑन कर दोगे तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखा जाए तो जिस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस और टाइम नहीं दिया होगा तो ये उस क्वेश्चन का शॉर्टकट भी है। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू 70 इंटू 30 डिवाइड बाय एस टू एट 30 प्लस 70, तो ये आया 2 इंटू 70 इंटू 30 डिवाइड बाय 100, तो जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये आया 42 किलोमीटर पर आवर। तो वैभव की एवरेज स्पीड है सिटी ए से सिटी बी की और सिटी बी से सिटी ए की 42 किलोमीटर पर आवर। तो वैसे अगर हम इसकी एवरेज स्पीड देखें तो 70 प्लस 30 यानी कि 100 डिवाइड बाय 2 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये रॉन्ग है। तो आप प्रॉपरली एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करें टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम की हेल्प से, और यहाँ से राइट आंसर फाइंड आउट कर लें।